अब ये ऐसी चाहिए ये कौन खड़ा है पिकअपू अस्सलाम वालेकुम कितना हाल है आपका ठीक हो चलो ये देखें जी बच्चों की तैयारियाँ क्लासेस और कपड़े अस्सलाम वालेकुम एवरीवन होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे जी। तो लास्ट वीडियो में जहाँ मैं जिक्र कर रही थी पूल पे जाने का, तो ये उस दिन की वीडियो है, अपलोड आज कर रही हूँ, थोड़ी मसरूफियत की वजह से बस लेट हो गया। तो यहाँ पे जी तैयारियाँ चल रही थी, पैकिंग कपड़ों की भी की हुई थी, क्योंकि जाहिर है पूल में नहा के जब गीले हो जाएंगे कपड़े तो शॉवर लेके बाद में चेंज करने के लिए, और साथ में फिर सारे जो ड्रिंक्स थी बच्चों के लिए जंक था, और कुछ साथ में खाना वाना बना के वो लेके जाना था, तो सारी वो पैकिंग चल रही थी। अम्मी की तरफ फिर मैं उसके बाद आ गई थी सुबह में ही, और यहाँ पे जाने की तैयारी में एक्साइटेड, सब सामान जो है वो डिग्गियों में लोड हो चुका था और बच्चे जो है एक्साइटमेंट में बस बाहर ही निकले हुए थे। और इस दिन वेदर भी बड़ा अच्छा हुआ था, बारिश सुबह में हो के हटी थी, तो सब ने चप्पलें और अपने कपड़े जो हैं वो पूल वाले पहन लिए थे कि घर से ही पहन के जाएंगे, और साथ जो है एक्स्ट्रा फिर दूसरे रख लिए थे कि वहाँ जा के पहनेंगे। और बच्चे जी सारे बड़े एक्साइटेड थे, और बड़े भी ऑब्वियसली, अम्मी नहीं गई थी, अम्मी घर पे ही थी और बाकी सब गए थे। तो जी यहाँ पे केनाल वाली साइड से हमने जाना था, वेदर बड़ा अच्छा था, तो ये नहर पे भी बड़ा रश लगा हुआ था लोग नहाने के लिए, बच्चे बड़े, और ये आप देख रहे होंगे कि बच्चियाँ भी इवन थी अंदर, तो वो भी नहा रही थी। तो ये मंज़र भी बड़ा खूबसूरत था। जो लोग कश्मीर पुल के आसपास से गुजरते हैं उन्हें तो आइडिया हो रहा होगा, मैं वीडियो बनाने की कोशिश तो की थी मैंने, लेकिन आगे ट्रीज़ और ये प्लांट्स आ गए बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे रश जो है बहुत ज़्यादा था लोगों का, बच्चे और बड़े भी काफ़ी इकट्ठे हुए थे। फ्री का पूल जी मिला हुआ था और मौसम अच्छा था, तो ये लोग भी सब इन्जॉय करने के लिए निकले हुए थे। तो रास्ते में भी आपको पता है कि फिर इंसान इन्जॉय करता हुआ जाता है, और ये भी हमारे रास्ते में ही एक छोटा सा शहर में से गुज़रता है, पानी के लिए नदी कह सकते हैं इसको, लेकिन इसमें सारा वो गंद छंद मिलके ऐसे ही लग रहा होता है जैसे ये गंदा नाला है, तो लेकिन है ये भी साफ़ पानी का। यहाँ भी अंदर कहीं कहीं पे जो हैं बच्चे वो नहाते हुए नज़र आ रहे थे, तो सारा रास्ता जो है गाड़ियाँ आगे पीछे जा रही थी, और सफ़र को भी इंसान आपको पता है कि इन्जॉय करता है सारा बहुत ज़्यादा। और ये जिस जगह पे हमने जाना था ये उसके मेन रोड से फिर जो एंटर होने के लिए रोड जाती है उसके साथ ही, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहर थी, रोड कच्ची है, लेकिन ये भी रास्ता उस दिन मौसम भी अच्छा था तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि दरमियान में आप जा रहे हों और एक साइड पर खेत थे और एक साइड पर ये नहर थी इस तरह से, तो ये वाला व्यू भी जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और साथ में आपको पता है कि म्यूज़िक चल रहा होता है और गपशप भी चल रही होती है सबकी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे जी बस हम पहुँच गए थे, मैंने कहा चलें रास्ता भी आपको साथ साथ जो है वो एंजॉय करवाते हैं। और यहाँ जी ये नहर में आपको नज़र आ रहा होगा बड़ा सारा नेट फेंक के ये मछलियाँ पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, ऑब्वियसली पहले भी पकड़ते होंगे, दोनों किनारों पर थे लोग तो जो मछलियाँ पकड़े थे। और यहाँ जी हम लोग ये पहुँच गए हैं, ये मेन गेट है इनका, यहाँ से अब मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ कि अंदर एंटर हों तो फिर सारा एकदम से व्यू चेंज हो जाता है, क्योंकि खेतों में आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा था बाहर से कि अंदर से ऐसी बिल्डिंग भी हो सकती है। बहुत खूबसूरत ये बना हुआ है, और साथ साथ आप देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा हर चीज़ है यहाँ पर, और आपको एक दफ़ा अंदर आ जाएं तो फिर बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जी एंटर हो के फिर आप यहाँ भी पार्किंग कर सकते हैं, चाहे तो आप आगे जाके वहाँ भी उतर सकते हैं। तो गाड़ी हम लोग आगे ले आए थे और यहाँ पे उतरेंगे, और साथ साथ फिर मैं आपको सारा इसका जो है फ़ौरन, फिर मैंने कहा बच्चों ने तो नहाने लग जाना है तो उससे पहले पहले मैं आपको पूरा इसका टूर दे दूँ। तो ये जी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्लाइड है और अभी पानी भर रहा था इसमें, तो स्लाइड इस तरह से, स्लाइड पे भी साथ साथ पानी आता है। पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है सारा, और रात में इसमें लाइटिंग भी बड़ी अच्छी थी, वो भी फिर मैं आपको दिखाऊंगी सारी।
तो यहाँ पे आप खेल भी सकते हैं। और ये एक छोटा पूल है, ये बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है, ये उसी से ही कनेक्टेड है, तो छोटे बच्चों ने नहाना हो तो वो यहाँ पे मज़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से जी एक तरफ फिर आप जाएँ तो सामने जो आपको रूम नज़र आ रहा है, ये सन रूम बनाया हुआ है। अंदर इसके सारा सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था, और साथ में जी फायरप्लेस भी थी। आपने सर्दियों में, ऑब्वियसली गर्मियों में तो नहीं यहाँ बैठ के कुछ कर सकते, तो सारे वो ग्लास लगा हुआ है, और अंदर इस तरह से सारी सेटिंग है कि सर्दियों में आपने धूप एंजॉय करना हो तो यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और ये फाउंटेन बनी हुई थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी, ये तो खैर हमने नहीं चलवाई थी क्योंकि पूल की तरफ ही सबका ध्यान था। ये इस तरह से पानी एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ को फिर अंदर चला जाता है, और उसके आगे जी ये, और ये सारा बारबेक्यू के लिए एरिया बना हुआ था। यहाँ पे प्रॉपर सारा बारबेक्यू वाला स्टैंड था, और नीचे कैबिनेट्स भी बने हुए थे कि आप उसमें अपनी चीज़ें जो हैं वो सारी एडजस्ट कर लें। और उसके आगे ये जो एरिया स्टार्ट हो रहा है, इसमें सारे झूले लगे हुए थे मुख्तलिफ तरह के, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब इंजॉय कर सकते हैं। और सीसा है, स्लाइड है, और ये जो झूला भी आपको नज़र आ रहा है वो वाला है। और इससे थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे उन्होंने मिनी जू बनाया हुआ है, जिसके अंदर रॉस्टर्स हैं, पीकॉक्स हैं, और पैरट्स थे, और एक दो और भी डिफरेंट टाइप के थे एनिमल्स। ये जी ट्री था जो माशाल्लाह इस पे बहुत ज़्यादा फ्रूट लगा हुआ था, अनार का। आगे और भी ट्रीज़ लगे हुए हैं काफ़ी चीज़ों के थे, तो वो भी आपको साथ साथ दिखाऊंगी। मैंगो के थे और शहतूत थे और काफ़ी ज़्यादा थे। तो बैक यार्ड उनका ये वाला है, तो वहाँ से इनके एरिया का व्यू इस कुछ इस तरह से आता है। तो यहाँ पे ये सारे जो हैं डिफरेंट टाइप के, हर केज के अंदर डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स थे, तो ऊपर वाले पोर्शन में भी थे और नीचे वाले में भी थे। लाइटिंग यहाँ पे बड़ी खूबसूरत थी रात में, वो भी फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी बाद में, जिस टाइम रात का व्यू अलहदा से फिर वो मैंने रिकॉर्ड किया था। तो ये पैरट्स भी बड़े प्यारे प्यारे और डिफरेंट टाइप के थे। बहुत अच्छा सारा मेंटेन किया हुआ है, चाहे वो बर्ड्स, ये जू मिनी जू वाला एरिया है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो इंडोर भी, मैं आपको भी टूर करवाऊंगी वो सारा एरिया भी, क्योंकि हर चीज़ जो है वो तभी खूबसूरत लगती है और मज़ा देती है जब वो आंखों को भी अच्छी लगे और आप उस जगह पे कंफर्टेबल फील करें। और ये केज के ऊपर हॉर्स बनाया हुआ था, और उसके आगे जाएं तो ये मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और इसके साथ अटैच उन्होंने वॉशरूम भी बनाया हुआ था। उससे आगे हैं तो यहाँ भी आपको ये वॉल पे डिफरेंट टाइप के जो है हॉर्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे। और ये मेन एंट्रेंस वाला गेट आ गया जहाँ से हम एंटर हुए थे। और पैरट्स के अलावा बाकी हेंस भी थी, और जितने भी बाकी थे परिंदे, वो सब खुले घूम रहे थे। और इस एरिया में मैं आई तो यहाँ पे पीकॉक्स भी घूम रहे थे, आई थिंक दो पीकॉक्स थे जो इकट्ठे घूमने लगे हुए थे, और फ्रंट एरिया पे भी थे, तो इन्हें भी देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। और वाइब्स जो हैं बड़ी अच्छी आती हैं आपको जब आपके इर्द गिर्द इतनी ग्रीनरी हो, और परिंदे भी उनकी आवाज़ें और इस तरह से खुले घूम रहे हों। तो मेन एंट्रेंस वाला एरिया भी ये देखें, ये भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। और इधर आई थिंक इनका ये सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ था, यहाँ तो मैं अंदर नहीं गई। तो उसके बाद जी ये इन्होंने पार्किंग वाला एरिया बना हुआ है, चाहे तो आप गाड़ियाँ यहाँ भी पार्क कर सकते हैं और चाहे तो फिर आगे भी पार्क कर सकते हैं। राइट साइड पे जो रूम नज़र आ रहा है, ये इनका जिम वाला एरिया था, और बाद में मैं आपको इसका भी विज़िट करवाऊंगी। और यहाँ से जो इनका मेन, कह लें इसे घर ही कहेंगे, फॉर्म हाउस है, लेकिन उसमें इन्होंने प्रॉपर घर पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है, तो ये भी आपको विज़िट करवाऊंगी। तो ये उसकी मेन एंट्रेंस है। और इधर से जहाँ से मैंने स्लाइड से स्टार्ट किया था, ये वाली वो स्लाइड आ गई जो ऊपर से इस तरह घूम के नीचे आती है पूल के अंदर। तो ये वाला टोटल इसका बाहर वाला एरिया था, और ये मैं पाइप की इसकी रिकॉर्डिंग की थी कि पाइप जो है अपने अलहदा ही डांस करने में मस्त हुई हुई थी। पानी आ रहा था और वो उसमें से इस तरह से आ रहा था कि वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता मूव करती जा रही थी, तो इसे देख के सबने बड़ा मज़ा किया कि ये अपनी ही अलहदा मस्ती में गुम हुई हुई है पाइप। ये था बाहर का व्यू, और यहाँ पे भी कौवे भी बहुत जल्दी इकट्ठे हो गए थे हमें देख के, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें भी थी हमारे पास, और मुख्तलिफ तरह के और भी बर्ड्स जिन्हें खाने का लालच था, तो वो सब आ गए थे। अब चलें जी, मैं आपको
अंदर का टूर करवाती हूँ। सबसे ये मेन एंट्रेंस वाला डोर है, तो इसकी राइट साइड पे ये एक रूम था, और इस रूम में आई थिंक उन्होंने सिटिंग बस बनाया हुआ है, अटैच बाथ है और साथ कबर्ड्स भी बनी हुई हैं। एक रूम ये था, ये क्योंकि वो ख़ुद भी यहाँ पे थे तो ये डोर लॉक था, और ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और ऊपर भी पूरा प्रॉपर एक पोर्शन बना हुआ है। तो उसके बाद ये लॉबी सी है, और लॉबी से अंदर एंटर हो तो अंदर ये डोर ओपन होता है लाउंज में, और लाउंज से ये इस तरह बाहर राइट साइड पे पूल का व्यू है, वो भी पूरा नज़र आता है, और ये वाला सिटिंग एरिया है सारा, और सिटिंग एरिया भी बड़ा अच्छा उन्होंने सेट किया हुआ है सारा। और उसके साथ अगर आप ये लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये किचन है, और किचन भी मैं अभी आपको टूर करवाती हूँ, उससे पहले मैं आपको रूम्स के टूर करवाती हूँ। ये टू रूम्स है राइट और लेफ़्ट साइड पे दोनों। तो सबसे पहले राइट साइड वाला रूम चेक करते हैं जी। तो राइट साइड वाले रूम में ये भी बड़ा अच्छा सेट किया हुआ था, इसके अंदर बेड प्रॉपर और सोफ़ाज और ड्रेसिंग टेबल, और सेटिंग भी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बड़ी अच्छी की हुई थी, और साथ में अटैच बाथ था और कबर्ड्स भी थी प्रॉपर, कि आपने अगर स्टे करना हो तो यहाँ पे स्टे भी किया जा सकता है। शहर से थोड़ा हटके है तो इसलिए बहुत ही एरिया जो है पुरसकून और खामोशी थी, तो ओवरऑल फिर ऐसी जगह पे जब आप शहर से निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जब सिर्फ इंसान खुद ही हो वहाँ पे। तो सामान हमने इस तरह से ले जा के रख दिया था अपना, ताकि बच्चे निकाल के खाएं भी, और बाद में जब शॉवर लेना हो तो वो भी फिर आसानी हो जाएगी। तो ये जी दूसरा रूम है, दूसरा रूम भी इसी तरह प्रॉपर सेट किया हुआ था सारा, और उसमें भी सिटिंग का था प्रॉपर। हम अपने भी शैम्पू सोप और हर चीज़ टॉवल्स वगैरह लेके गए हुए थे, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे भी शैम्पू सोप और जो चीज़ आपको चाहिए ज़रूरत की वो हर चीज़ मौजूद थी। और इस रूम में भी इसी तरह जी ड्रेसिंग एरिया और उसके साथ कबर्ड्स थी, और कबर्ड्स के साथ में अटैच वॉशरूम भी था, और रूम भी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ही प्यारा खूबसूरत सेट किया हुआ है। तो चलें जी अब चलते हैं बाहर, और फिर उसके बाद मैं आपको विज़िट करवाती हूँ किचन का। ये किचन है, और किचन से जो डोर ये वाला नज़र आ रहा है आपको, ये अंदर जो एंट्रेंस के पास डोर था ये उसी रूम का दूसरा डोर है, क्योंकि वो लोग खुद यहाँ अंदर थे इसलिए उन्होंने ये डोर लॉक किया हुआ था। और ये जी उनके थे सर्वेंट्स जो घूम फिर रहे थे अंदर, तो ये हमें भी कोई चीज़ चाहिए होती थी तो हमें भी फिर यही आके दे रहे थे। और ये जी किचन है, किचन भी प्रॉपर कैबिनेट्स और सब बनी हुई है, क्योंकि वो लोग ख़ुद भी यहाँ आके स्टे करते हैं जिनसे हमने ये बोरो किया था, तो इसलिए हर चीज़ किचन में मौजूद थी, जिस तरह चाहे आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी चावल हम अपने बना के लेके गए हुए थे, सैंडविचेस थे, और बच्चों के लिए जंक्स कह रही हूँ, और कोल्ड ड्रिंक्स ही, पानी शानी हर चीज़ साथ लेके गए थे। और ये टू फ्रिज पड़ी हुई थी कि आप इसमें अपना जो है सारा इंतज़ाम करके, दूध भी था चाय के लिए कि वो अंदर रख सकते हैं। और ये जी एरिया, यहाँ से बाहर जाएं तो ये निकल जाता है फिर पूल की तरफ, कि अंदर बैठ के भी अगर आपने पूल को एंजॉय करना हो या बच्चों पे नज़र रखनी हो, अगर वो बाहर नहा रहे हो पूल पे, तो वो आप फिर वहाँ से भी उन पे आसानी से नज़र रख सकते हैं। और जी यहाँ पे पानी भर चुका है, तो अब लेते हैं ब्रेक, और मैं भी करती हूँ अंदर जंप, और फिर फ्री हो के दोबारा आपसे मिलती हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने एक दफ़ा की डुबकी लगा के निकल चुकी हूँ, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और फुल टाइम अंदर नहीं रुका जा रहा था बॉडी को, क्योंकि नॉर्मल होने में टाइम लग रहा था। और डुबकी मेरी इतनी लंबी थी कि करते करते हमें फिर रात हो गई, और मैंने कहा चलें फिर रात का व्यू भी आपके साथ शेयर करते हैं। और थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगी कि यहाँ पे क्लिप जो है वो म्यूज़िक का भी साथ में डाल सकूँ, क्योंकि म्यूज़िक भी साथ चल रहा था और बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ जी ज़रा क्विक सा आपको जो फास्ट फॉरवर्ड के साथ है वो रात का टूर करवा देती हूँ, क्योंकि लाइटिंग जो है बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ही खूबसूरत, तो इसलिए मुझसे रुका नहीं गया कि मैं ये सारी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर करूं। कुछ अरसे में जब इस तरह का आप कोई ट्रिप करते हैं तो आपके काफ़ी जो है मूड में चेंजिंग आ जाती है, और बड़ा अच्छा फिर टाइम जो है बाकी का आपका, छुट्टियां हो तो बच्चों का भी अच्छा गुजरता है,
और काफ़ी दिन फिर इन्हीं चीज़ों की हलचल रहती है और बातें होती रहती हैं कि ये किया था वो किया था ऐसे मज़ा आया। तो ये भी जी रात का व्यू था। और यहाँ जी विज़िट करवाते हैं आपको जिम एरिया का। जिम एरिया में भी सारी जो है एक्सरसाइज मशीन्स पड़ी हुई थी और साथ में स्नूकर टेबल है वो सेट की हुई थी कि आप जो है हर तरह से यहाँ पे फुली एंजॉय करें। ये थी आज की वीडियो, जो होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।